The internet is full of bro science, fake knowledge, half information, or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon, and you never have to go anywhere else ever again. Hello everyone, namaskar, adab, sat sri akal, kaise hain aap? And happy Diwali to everyone. Pehle se hi. Bhai Diwali hai to aap ghar mein mithai aayegi, mithai khayenge aur fir bolenge ki bhai मोटे हो गए तो मिठाई खाने से मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको आज बताना चाहूंगा कि भाई कौन सी मिठाई खाने के बाद आपको क्या करना होगा कॉम्पनसेशन के लिए, कि भाई मैं एक लड्डू खा लूँ या दो लड्डू खा लूँ या काजू कतली खा लूँ, जलेबी खा लूँ, गुलाब जामुन खा लूँ, तो मुझे कितनी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, कितने घंटे क्या करना पड़ेगा, और आज उसके बारे में हम बात करेंगे। तो कैलोरीज मिठाई में कितनी होती है, उसका जो आपको कॉम्पनसेशन बाय कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज करना पड़ेगा बर्न करने के लिए, वो कितना होगा। और पहले ही बता दूं कि ऐसा है, जो आपके घर में गुलाब जामुन आएगा या काजू कतली आएगी, जो मेरे घर में आएगी, उन दोनों में कैलोरीज में डिफरेंस होगा। और जो आप एक्सरसाइज करोगे और आपके साथ अगर 10 अलग लोग एक्सरसाइज करेंगे, उन सबके एक्सरसाइज इंटेंसिटी, उन सबके हाइट, उनके वेट, उसमें डिफरेंस होता है। तो एक्सरसाइज में जो कैलोरी बर्न होती है वो भी आपके वजन पे डिपेंड करती है। अगर 50 किलो का इंसान एक्सरसाइज करता है और 100 किलो वाला करता है, तो 100 किलो वाला जो है उतने ही एक्सरसाइज उतने ही देर के लिए करेगा, तो डबल कैलोरी बर्न करेगा 50 किलो वाले से। सो ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए समझना है कि आज जो हम ये वैल्यूज बता रहे हैं, ये भाई साहब रेफरेंस वैल्यूज हैं, मतलब ये एग्जैक्ट नहीं है। ये आपको एक आइडिया देगा कि भाई इसमें इतनी होती है, तो उसके हिसाब से इतनी एक्सरसाइज एक आम इंसान को, एक नॉर्मल 60-70 किलो के पर्सन को करनी पड़ेगी। और जैसा अगर आप उससे पतले हैं तो हो सकता है आपको और ज्यादा करना पड़े, बिकॉज याद रखिए अगर आप बहुत पतले हैं, आप 50 किलो वाले हैं और आप 60 किलो वाले हैं, तो आपके जो रसगुल्ले में तो उतना ही कैलोरीज होगी, रसगुल्ला रसगुल्ला है आप खा रहे हो, चाहे मोटा आदमी खा रहा है, लेकिन आपको उतनी ही कैलोरीज बर्न करने के लिए थोड़ी देर और एक्स्ट्रा एक्सरसाइज, बिकॉज योर बॉडी वेट इज लेस, सो यू विल बर्न लेस कैलोरीज ऑन डूइंग अ सर्टेन एक्सरसाइज। ये बात समझते हुए समझते हैं आगे के पहली कुछ मोटी बातें। अगर आप मिठाई खाते हैं और किसी भी प्रकार के फंक्शन में खाते हैं, तो अगर वो कह लीजिए कि अच्छी मिठाई हो, यानी कि होल व्हीट से बनी हो, मैदे से ना बनी हो, या जो उसमें अच्छा क्वालिटी के चीज हो, खोया हुआ उल्टा सीधा चीजें ना हो, मिठास के लिए अगर गुड़ या हनी का इस्तेमाल हो तो ज्यादा हेल्दी है। बहरहाल बाहर से लाई गई मिठाई में तो आपको ये मुश्किल ही मिलेगा। और अगर आप बात करें गुलाब जामुन की, तो गुलाब जामुन जो है वो भैया आपको पता होना चाहिए, वो उसमें शक्कर का सिरप भी होता है, उसके अंदर थोड़ा कार्डमम भी होता है, उसे डीप फ्राई किया जाता है और उसके अंदर जो है शक्कर के सिरप में रखा जाता है। सो ऐसे में अगर आप एक गुलाब जामुन खाते हैं, तो उस एक गुलाब जामुन के अंदर करीब करीब 150 से 180 कैलोरीज हो सकती है, यानी दो खाएंगे तो 450-350 के ऊपर, 350 से 300 के आसपास कैलोरी मान के चलो, दो गुलाब जामुन 350-400, तो अच्छी खासी कैलोरीज है उसके अंदर। उसको बर्न करने के लिए 350-400 कैलोरीज में आपको या तो एक घंटे के लिए आपको साइकिलिंग करनी पड़ेगी, या एक 45 मिनट के लिए जंपिंग करनी पड़ेगी, इस प्रकार की कोई एक्सरसाइज करनी पड़ेगी आपको एक घंटे के लिए, बहुत ज्यादा है दो गुलाब जामुन के लिए। जलेबी भी उसका भाई है, बहन है, और जलेबी डीप फ्राई होती है और उसके अंदर भी आपको जो है शुगर सिरप में डुबा डुबा के उसको डाला जाता है, और उसको भी भैया जो है कई बार आप जो बैटर होता है उसमें दही का भी इस्तेमाल होता है, तो थोड़ा सा प्रोटीन मात्रा जरा सी आ जाती है, बट इट्स फाइन। मेन चीज जो देखना है, एक जलेबी के अंदर, एक अगर आप 100 ग्राम जलेबी खाते हैं तो उसके अंदर करीब 200 कैलोरीज हो सकती है। 100 ग्राम जलेबी में 200 कैलोरीज, और कई बार एक अकेली पीस 100 ग्राम का हो जाता है, बड़ा जलेबा, और जिसको हम इमरती भी कहते हैं, और बड़ी बड़ी दूसरी भी प्रकार की जलेबियां भी आती हैं, सो डिपेंड करता है उस पर। और वो भैया आपको बर्न करने के लिए 200 कैलोरी के लिए आपको डांस करना पड़ेगा। देखो ये कंपलसरी नहीं है कि आप डांस ही करेंगे, आप वॉकिंग और रनिंग और स्किपिंग भी कर सकते हैं, हम तो एक एग्जांपल दे रहे हैं। तो डांस करना पड़ेगा आपको 25 या आधे घंटे के लिए या एक घंटे 45 मिनट के लिए, डिपेंडिंग अपॉन आपका वजन, आधे घंटे के लिए आप अगर डांस करेंगे बढ़िया वाला, तो आप 200 कैलोरीज आधे से 45 मिनट तक बर्न करेंगे। लड्डू अगर आप खाते हैं, लड्डू भैया बनते हैं शक्कर से और आटे से, बेसन से, जो भी चीजें घुसा के बनाई जाती है, बेसन या किसी ड्राई फ्रूट या शुगर सिरप मिला ब्लू के, और कई बार उसके अंदर गुड़ भी हो सकता है, बहुत अच्छी बात है। और कई बार कुछ प्रकार के वैसे पता नहीं, डीप फ्राई तो नहीं होता लड्डू वैसे, मगर लड्डू के अंदर जो एवरेज आप काउंट माना जाता है, वो माना जाता है 100 ग्राम लड्डू के अंदर
अराउंड 180 या एक को भी आप 200 के आसपास मान सकते हैं, 180 80 90 वैसा 180 90। सो इसमें भी आपको जो है अगर इस बार आप बोले हम सीढ़ी चढ़ेंगे तो आपको सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा कम से कम आधे 45 मिनट के लिए। सीढ़ी चढ़ना उतरना आप कर सकते हैं आधे घंटे के लिए या 45 मिनट के लिए आप इसको करेंगे तो आप भैया 180 90 200 कैलोरीज बर्न कर सकते हैं, ऐसा है। सो दैट इज देयर। और रसमलाई, अगर हम रसमलाई की बात करें तो रसमलाई के अंदर होती है एक पीस अगर 100 ग्राम का हो तो उसके अंदर होगा 250 कैलोरीज। 250 कैलोरी के लिए इस बार चलो आपको क्या बोलते हैं वो करवा देते हैं, क्या बोलते हैं ब्रिस्क वॉक। अगर आप ब्रिस्क वॉक करते हैं तो आपको करीब 1 से 250 कैलोरीज है, एक घंटा वो ब्रिस्क वॉक करना पड़ेगा। ब्रिस्क वॉक मतलब तेज वॉक, एक घंटा ब्रिस्क वॉक तेज वॉक, तब आपकी 250 कैलोरीज जो है बर्न होगी ऑन एन एवरेज। इसके बाद आप मान लीजिए पेड़ा खाते हैं, पेड़ा आप खाते हैं और पेड़ा जो है लड्डू पेड़ा सबसे सस्ता पेड़ा होता है, पेड़ा के अंदर जो अगर आप बात करें तो एक सिंगल पेड़े के अंदर 80 से 100 कैलोरीज हो सकती हैं। तो डिपेंड करता है आप कितने पेड़े खाते हैं, और येड़ा बन के पेड़ा मत खाइएगा, पेड़ा समझ के खाइएगा कि कितने खाने हैं। और उसको बर्न करने के लिए आपको घर की सफाई कर सकते हैं आप, घर की सफाई में आप दिवाली की सफाई अगर आप करते हैं और उसमें अगर आप एक पेड़े की कसर निकालना चाहते हैं तो करीब आपको 20 से 25 मिनट दिवाली की प्रॉपर सफाई करनी पड़ेगी घर की, तब आप जाके 80 से 100 कैलोरी बर्न करेंगे। और हलवा अगर आप खाते हैं, अगर किसी प्रकार का हलवा, आप इसमें दो तीन प्रकार के आते हैं, गाजर का हलवा आता है, मूंग दाल का हलवा आता है, फलाना 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 अलग सूजी का हलवा आता है, और आटे का हलवा जो बनता है जैसे गुरुद्वारे में भी आपको मिलते हैं, तो कई प्रकार के हलवे आते हैं। और हलवे में भी लोग अलग अलग प्रकार के, देखो हर इस स्वीट डिश में कोई ज्यादा मीठा कर सकता है कोई कम मीठा कर सकता है, तो ये एवरेज मात्रा बता रहे हैं, ठीक है। सो एवरेज मात्रा के हिसाब से हलवे के अंदर जो यूज होते हैं, घी भी यूज होता है, ये भी यूज होता है, तो उसके अंदर जो है अगर हम 100 ग्राम की बात करें तो उस 100 ग्राम हलवे के अंदर आपको या कैलोरीज मिल जाएगी 250 कैलोरीज, 250 कैलोरीज आपको मिल जाएगी अच्छी खासी ऑन एन एवरेज, डिपेंडिंग अपॉन 200 से 250 तक कैलोरीज मिल जाएगी। और इसमें फिर आपको अगर आप जिम में वर्कआउट करते हैं तो या कैलिस्थेनिक वर्कआउट करते हैं तो मिनिमम आपको 20 मिनट वर्कआउट करना पड़ेगा, तब जाके 200-250 कैलोरीज आप बर्न कर पाएंगे 20 से 25 मिनट वर्कआउट मिनिमम एक्स्ट्रा, आई मीन ओवर द काउंटर ऑफ वॉट एवर रेगुलर वर्कआउट बिल्डिंग वर्कआउट यू डू। खीर अगर आप खाते हैं, खीर बहुत सिंपल सी खीर है, तो एक सर्विंग यानी अप्रोक्सीमेटली एक कटोरी खीर के अंदर भी आपको 270-280 कैलोरीज आपको मिल जाएगी। और इसके लिए अगर आप रनिंग करना चाहते हैं तो रनिंग आपको 270-280 अप्रोक्सीमेटली 270-300 कैलोरीज बर्न करने के लिए एक एवरेज आदमी को अप्रोक्सीमेटली 3-4 किलोमीटर रन करना पड़ सकता है, 4 या 5 डिपेंडिंग अपॉन उसकी स्पीड, डिपेंडिंग अपॉन उसका इंक्लाइन, डिपेंडिंग अपॉन उसका वजन। सो ये बहुत वेरी करता है, इसलिए एवरेज ही थोड़ा ऊपर मान के चलिए। काजू कतरी, काजू कर्फी, काजू बर्फी सबसे कॉमन, सबसे ज्यादा बांटी गई, सबसे ज्यादा खाई गई गपा गप काजू काजू काजू। तो काजू काजू अगर आप करें और एक पीस काजू अगर मान लीजिए या 100 ग्राम काजू कतली मान लीजिए तो उसके अंदर या एक पीस में अराउंड 150 कैलोरीज आपको मिलेंगी। और अगर आपने दो पीस खाते हैं तो 300 कैलोरीज मिल जाएगी। अब पीस पे पीस खाते जा रहे हैं काजू कतली के, तो फिर तो भैया ऐसा है आपको ट्रेडमिल ही ले लेनी चाहिए और उसको इंक्लाइन पर रख लेना चाहिए। और अगर आप दो पीस खाते हैं तो हर दो पीस के लिए 20 मिनट का वॉक आपको इंक्लाइन पर करना पड़ेगा, अच्छे से रनिंग कह लीजिए वॉक कर लीजिए इंक्लाइन पर, तब जाके आप ये करेंगे रनिंग काइंड से स्पीड वाली अगर धीरे धीरे वॉक करेंगे तो आधा ही बर्न होगा, देखिए ऐसा है। और फिर इसके बाद आखिरी में चमचम होते हैं, और चमचम मान लीजिए या फिर इसको आप रसगुल्ला मान लीजिए, उसके अंदर भी आपको एक एक पीस में अराउंड 170 से लेके, चमचम छोटी होती है, कुल्फी चौड़ लंबी होती है, अलग अलग प्रकार के होते हैं, और रसगुल्ला भी होता है, उसमें भी 170 से 200 कैलोरीज आपको मिल जाएंगी। और उसके लिए भी आपको जो है अगर आप बॉक्सिंग कर लेते हो तो फिर आपको प्रॉपर या किक बॉक्सिंग कर लेते हो तो 20 मिनट की किक बॉक्सिंग करोगे तो एक रसगुल्ले या एक चमचम का कसर निकलेगा 20 मिनट 25 मिनट। और भैया कुल्फी अगर गलती से खा लेते हो, कुल्फी तो खाते हो, कुल्फी यानी कि केसर पिस्ता कुल्फी या मैंगो कुल्फी या फिर रोज कुल्फी, सैफरॉन केसरी कुल्फी, उसमें भैया दूध भी होता है और शक्कर होती है घूंघोर, क्योंकि ठंडी वाली चीज को मीठा बनाने के लिए शक्कर ज्यादा लगती है। और उस चीज में भैया एक 100 ग्राम की कुल्फी में 500 कैलोरीज हो सकती है, जी हाँ 400 से 500 कैलोरीज हो सकती है। और उसको बर्न करने के लिए आपको जो है बहुत जोरदार डांस करना पड़ जाएगा, जुम्बा करना पड़ जाएगा करीब 1 से 1.5 घंटे के लिए खतरनाक, या फिर ट्रेडमिल पे आप दौड़ें 1.5 घंटे के लिए अपना इनक्लाइन पे, तब जाके आप 500 कैलोरीज बर्न करेंगे। और जैसा मैंने बताया ये सारी जो है जानकारियां जो है अप्रोक्सीमेट हैं और आपको इसमें बहुत वेरिएशन मिल जाएगा, आप खुद इस पर रिसर्च कर सकते हैं। ये थॉट प्रोसेस आपके दिमाग में डालना था कि एक मिठाई की वजह से आपको कम से कम 20 मिनट
मिनट कोई ना कोई अच्छी मॉडरेट फिजिकल एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, एक पीस के लिए या एक चम्मच के लिए, एक जलेबी के लिए, एक रसगुल्ले के लिए, एक इसके लिए 20-25 मिनट एक घंटे तक आपको एक्स्ट्रा वर्कआउट करना पड़ेगा। ये सिर्फ कैलोरी कॉम्पनसेट करेगा, प्रोटीन इंटेक और वो इंटेक और फलाना ढमकाना उसके अंदर अगर बाहर से खाते हो उसमें कोई मिलावट है और कुछ है गड़बड़ है, नकली घी है, देसी घी है, डालडा है, वो सब अलग है, ठीक है। सो बेटर ऑप्शन असली देसी घी वाली चीजें लो, घर पे बना लो अगर बना सकते हो। गुजिया उजिया भी लोग खाते हैं, गुजिया उजिया में भी अच्छी कैलोरीज होती हैं और मैंने देखा है कई बार कैलोरीज अलग अलग जगह पे अलग अलग दी गई हैं, तो हमने भी ये थोड़े रेफरेंस साइट्स ढूंढ ढांड के ढंग से निकाले हैं, 4-5 जगहों से रेफरेंस लेके निकाले हैं। सो होपफुली ये जो है आपको कैलोरीज वाइज में सही मिलेंगे। सो थैंक यू सो मच, प्लीज शेयर दिस वीडियो। एंड अगर आप ये जानना चाहते हैं कौन सी एक्सरसाइज में कितने वजन वाले आदमी के लिए कितनी कैलोरीज बर्न होती हैं, तो फिर कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो आपको बता दिया जाएगा। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी एंड वेरी वेरी हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। टेक केयर।